नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगिड़ स्वागत करता हूं आपका पिन पॉइंट प्रोग्राम में। गुजरात के सूरत में एशिया का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। अल्थान में काकरा खाड़ी के किनारे 87 हेक्टेयर की विशाल भूमि पर बन रहे इस बायोडायवर्सिटी पार्क में 13 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक और 9 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक होगा। इसमें 85 विभिन्न प्रजातियों के 6 लाख पौधे होंगे। तो आज के इस पिन पॉइंट प्रोग्राम में हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में, फिर हम देखेंगे जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, और फिर हम बात करेंगे भारत में जैव विविधता की, और लास्ट में हम देखेंगे जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स सुपर 30 जून बैच को ले सकते हैं, जिसमें आपको आरएस प्री मेन से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। इसकी फीस है मात्र 14,999 रुपये, जिसमें आपको पूरे 3 साल तक की वैलिडिटी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें हम जैव विविधता की, तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या और प्रकारों को जैव विविधता माना जाता है। अर्थात जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर, और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधता है। अब हम बात करें जैव विविधता के प्रकार की, तो जैव विविधता 3 प्रकारों में वर्गीकृत है। सबसे पहले आनुवांशिक विविधता, जिसे हम इंग्लिश में जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। फिर आता है प्रजाति विविधता, जिसे हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। फिर है पारिस्थितिक विविधता, जिसे हम इकोलॉजी डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम बात करें जैव विविधता संरक्षण के प्रकार के बारे में, तो ये 2 प्रकार की होती है। पहली है आपके इन सीटू, जिसको हिंदी में स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जब पौधे और जानवरों की सुरक्षा उनके प्राकृतिक आवास या संरक्षित क्षेत्र में की जाती है, तो इसे इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। इन सीटू संरक्षण के तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि शामिल है। वहीं हम बात करें एक्स सीटू की, तो इसे हिंदी में बाय स्थानीय कहा जाता है। पौधों और जंतुओं के बीच उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किया जाने वाला संरक्षण एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। एक्स सीटू संरक्षण के तहत चिड़ियाघरों, बंदी वंश वृद्धि, मछली बैंक, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक आदि शामिल है। अब हम बात करें भारत में जैव विविधता की, तो भारत दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 भारत में पाए जाते हैं, जिसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो म्यांमार क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। हालांकि जैव विविधता बहुत तेजी से कम हो रही है, और प्रकृति के संरक्षण के लिए जैव विविधता संरक्षण पर विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 की। इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण, इनके धारणीय उपयोग का प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के साथ उचित व न्याय संगत साझाकरण करना है। अधिनियम ने जैव संसाधनों के संरक्षण करने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना की है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य के स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों की परिकल्पना की गई है। अब हम बात करते हैं आज के क्वालिटी क्विज की। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई और ऑप्शन डी 5 जून। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।